की। बट एक और जनरेशन जो अगली आ रही है वो क्रिपल्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी की लेग में प्रॉब्लम है, किसी के हेड में प्रॉब्लम है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, किसी का मेंटल रिटार्डिज्म है। तो ये दिस हैव वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। स्पेसिफिकली मैं बार बार बोलूंगी सिंथेटिक ड्रग्स, क्योंकि ये केमिकल है जो आप खा रहे हो। और ये जो चिट्टा है ये हेरोइन भी नहीं है, हेरोइन में मिला है ब्रूफेन, एंटी प्रेगनेंसी पिल्स, लैक्सेटिव्स। अगर आप इसका केमिकल कॉम्पोजिशन जब हम स्टडी करते हैं लैब से तो ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। तो इतना गंदा आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो। अब भी अगर आपको लगता है कि ये नहीं खाना ही है तो फिर खाओ, ठीक है भाई। ना तो मैं एडिक्टेड हूँ ना मेरे बच्चे होंगे, ठीक है, बट आप हैं तो आपके बच्चे भी होंगे, किसी किसी प्रॉब्लम के साथ वो आएंगे इस दुनिया में। और आप जो है अपना फ्यूचर देखो। अगर आपको अभी भी लगता है कि दिस डिसीजन इज रैशनल, कि आपको ड्रग्स में जाना चाहिए, तो यू कैन डू इट। आप, नोबडी कैन स्टॉप यू, ठीक है। आपको देश की दुहाई दे सकते हैं, मैंने आपको बताया दिस इज अ प्रॉक्सी वॉर, ये वॉर चल रहा है, ठीक है। हम समझने में हम लेट हो गए हैं, बट धीरे धीरे सबको समझ में आ गया है कि क्या चल रहा है, ठीक है। ये होगी देश की दुहाई ना, यंग लोग हैं, देश की सेवा, ये चलो इसको काट देते हैं आजकल, ये ट्रेंड खत्म हो गया है देश की सेवा और ये सब, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। बट अपनी अपने बारे में बात करो आप, ठीक है। अगर आप इतना केमिकल जो अपनी बॉडी में डालते रहते हो, मैंने आपको नाम गिना है ना, दीज आर जस्ट फ्यू नेम्स। ब्रूफेन तो सबने सुनी होगी ना, सर दर्द वर्दर्द की दवाई होती थी, ब्रूफेन वॉज बैंड फॉर इट्स इल इफेक्ट्स, ठीक है। डिक्लोफेनिक सुना है आपने, डिक्लोफेनिक भी बैन हो गया था क्योंकि वो हमारी बोन्स को डैमेज करता है। जब भी हम डिक्लोफेनिक खाते हैं तो हमारी बोन्स में इशू आता है। डिक्लोफेनिक, आइब्रोफेन, एंटी प्रेगनेंसी पिल्स। अच्छा, लेग्जेटिव क्यों डालते हैं? क्योंकि जब भी कोई हेरोइन यूज करते हैं ना तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ की है। तो उसको बीट करने के लिए जो भी ये बिजनेसमैन इन्वॉल्व है उन्होंने उसमें लेग्जेटिव डाल दिया, ताकि उसको बॉडी उसकी नॉर्मल जो है उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना आए। तो दिस इज अ बिजनेस, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इतना फ्रैंकली कोई आपको बताएगा, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि आप लोग ही हैं जो सबका फ्यूचर है, मेरा भी। आई एम ऑन दी अदर साइड नाउ। 10 साल पहले जब मैं कॉलेज में, टीचर मेरे को कहते थे ना कि आप देश का भविष्य है, हम भी ऐसे सोच रहे हैं फालतू बातें करते रहते, दिमाग खराब कर दिया हमारा आगे। बट नाउ आई रियलाइज कि वो क्या कहना चाहते हैं। जब हम एक दूसरे को ये कहते हैं, हम छोटे बच्चों को हमें कहते हैं कि यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री और फॉर दैट मैटर सोसाइटी, तो सही बात है। अगर एक जनरेशन जो है ड्रग एडिक्ट लोगों की होगी तो उसकी अगली जनरेशन खराब होगी। तो दो जनरेशन जिस भी सोसाइटी में, जिस गांव में, जिस प्रदेश में, देश में, जिस घर में खराब आएंगी, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। एंड एक रैचेड लाइफ जो हम जीते हैं एज एडिक्ट्स, ठीक है, तो वो आई थिंक इट्स रैशनली आपको चूज करना चाहिए। आप सभी समझदार हैं, यू आर स्मार्ट। जो नई जनरेशन है वो पुरानी जनरेशन से हमेशा स्मार्ट होती है। आप सभी हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, मेरी जनरेशन से आप सब ज़्यादा स्मार्ट हो। आई फर्मली बिलीव दिस। आप जो कॉन्सेप्ट्स 2 मिनट में समझ सकते हो, हमें 2 घंटे लगते थे उसमें समझने में। आपके जो सिलेबस जो आप अभी 5th क्लास में पढ़ते हो, हम शायद 7th या 8th में पढ़ते थे। वर्ल्ड हैज़ बिकम स्मार्ट, तो आप स्मार्टली ये डिसाइड करें। मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहूंगी, जो भी आप लाइफ में करें वो आप स्मार्टली डिसाइड करें। इफ यू स्टिल फील ये सब सुनने के बाद, और इसमें कोई भी ना फेंकने वाली चीज़ नहीं है, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, आप यू कैन जस्ट गूगल सर्च इट। अगर आप सही से स्टडी करेंगे तो आप मेरे से ज़्यादा इसमें ज्ञानी हो जाएंगे, ठीक है। बट दिस इज नथिंग जो हवा की बात है, ठीक है। जो दिस इज अबाउट फैक्ट्स, ये हो रहा है, हमको दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो मेरे जैसे लोग हैं जो लॉ एनफोर्समेंट में, हमको ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर क्या आ रहा है, डरावना है। हिमाचल का फ्यूचर भी डरावना है पंजाब के जैसे, ठीक है। पंजाब का जो प्रेजेंट है वो हमारा फ्यूचर है, अगर हम इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो। इट इज़ वेरी टफ, और हम बहुत कुछ लूज कर जाएंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट अबाउट कि देश की सेवा करनी, इट इज़ अबाउट कि आप अपनी पर्सनल लाइफ कैसे जीना चाहते हो। हाउ डू यू वॉन्ट टू एंड? आप किसी नाली में पड़े रहना चाहते हो,
दारू पी के कि आपको घर जो है घसीट के लेके जाए, या आप उस चीज को कंट्रोल करना चाहते हो, अपने पैर पे घर जाना चाहते हो, आप चिट्टा की ओवरडोज से मरना चाहते हो, ठीक है। और जो लोग ओवरडोज से मरते हैं उनके पेरेंट्स आगे हमें हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज ये पब्लिक में मत बताना कि ये चिट्टा लेता था। तो सच काइंड ऑफ ड्रामा हम अपने फैमिली को छोड़ के जाते हैं जब ऐसा कुछ होता है। तो आप कैसे जीना चाहते हो और कैसे मरना चाहते हो, ठीक है। लाइफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आई एम एन एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मैं ये सर्विस में आ सकती हूँ, कोई भी आ सकता है दुनिया का, ठीक है। मेरे जैसा इंसान अगर मेहनत करके यहाँ पहुँच सकता है तो कोई भी पहुँच सकता है, आप में से कोई भी कहीं पे भी, यू कैन रीच एनी वेयर, जहाँ भी आप सोचते हो। बट ये जो है ये ट्रेंड है, इसको आप ब्रेक करिए, और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बोल सकती हूँ, आपके टीचर्स आपको अपनी तरफ से समझा सकते हैं कि हाँ ये सही है गलत है, बट देन अल्टीमेटली इट इज अबाउट यू, ठीक है। ज़्यादा सीरियस हो गया मामला, जोक सुनो, ठीक है। तो ये है अब व्हाट आई कम टू, अब जो मुझे जो लास्ट जो मैं कंक्लूड करना चाह रही हूँ वो ये है कि कुल मिला के बात है कॉन्शियसनेस की ना। जैसे आप, मैं अपनी लाइफ को जब रियलाइज करती हूँ ना, तो हमने जो भी किया ना, मैंने जो भी किया लाइफ में, वो अपने आप किया। अपने आप का क्या मतलब है कि अगर बंक किया ना क्लास से, तो पूरे होश में किया, ठीक है। ऐसे नहीं किया कि सब कर रहे हैं मैंने भी करना है, ऐसा नहीं था। होश में डिसाइड किया कि आज जो है क्लास नहीं लगानी, ठीक है। तो ये जो होश है ना हमारा, आप होश में डिसीजंस लो। आज आप फेल होना चाहते हो ना, तो इट शुड बी योर डिसीजन, ठीक है, कि मैंने फेल होना है। और मेरे साथ के लड़के ना पीयू में होते थे, क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। वो बोलते थे कि बापू ने वहां पे 100 किले रखे हैं, खेती में लगा देना, तो पढ़ते ही रहना है हमने, फेल होते रहना है। तो देट वॉज अ कॉन्शियस डिसीजन, फेल होना चाहता था, नहीं पास हुआ अगला, नकल भी कराई तब भी नहीं हुआ, बोला लिखूंगा ही नहीं, ठीक है। बट देट वॉज हिज चॉइस, उसकी चॉइस थी। वो लड़का आज जो है ना, वो बिजनेस करता है, उसके फादर के 100 किले हैं ना, 100 एकर्स। तो वो घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके फादर उसको बोलते थे कि सुबह 4 बजे जाओ पानी लगाओ पूरे खेतों को, इसलिए वो सोचता हॉस्टल में पड़ा रहता हूँ। तो उसने अपनी यंग एज जो है सारी इसी तरह निकाल ली। बट आई एडमायर हिम फॉर वन थिंग, कि वो अपनी चॉइस से रहा, 2 बार फेल हुआ अपनी इच्छा से, जब मन किया घर चला गया, और अब खेती करता है, बिजनेस करता है, ही इज फाइन, ठीक है। तो हमें कॉन्शियस होना जरूरी है, हम जो भी करते हैं वो कॉन्शियसनेस में हमें डिसीजंस लेने चाहिए। अगर आप ड्रग्स यूज करना चाहते हो अभी भी, तो आप कॉन्शियस डिसीजन लो कि हाँ मेरे को करना है, ओन इट, ठीक है, ओन इट। फिर छुपा के कुछ नहीं करना चाहिए। और अगर आज आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, या नहीं करना चाहिए, आप उस ब्रिज पे हैं, करें या नहीं करें, करें या नहीं करें, तो आप एक कॉन्शियस डिसीजन लो, इन्फॉर्म डिसीजन लो। अदरवाइज इंसान बनने का क्या फायदा है, तब तो भेड़े अच्छे हैं हम। भेड़ कैसे चलती है, कोई बंदा हाँकता रहता है, उस डायरेक्शन में चलती रहती है। तो वी आर नॉट बॉर्न टू बी शीप, हम लोग भेड़े तो नहीं है। हमको भगवान ने बनाया है डायरेक्शन देके इंसान, जैसे भी आप भगवान मानो, साइंस मानो, रिप्रोडक्शन मानो, जो भी मानो, ठीक है। बट वी आर ह्यूमन बींग्स बिकॉज वी हैव ब्रेन्स, ब्रेन्स में मतलब कॉन्शियसनेस। आपको जो भी लाइफ के साथ करना है, वेस्ट करना है, कॉन्शियसली करो, ओन करके करो, ठीक है। और जब आप हर एक डिसीजन जो है इस तरह लेने शुरू करेंगे लाइफ में कि ये मेरा ही डिसीजन है, इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, बायस्ड नहीं है, सिर्फ इसलिए नहीं है कि 4 लोग ऐसा कर रहे हैं मैं भी ऐसा करूं, तो आई थिंक आप कभी गलत डिसीजंस लोगे नहीं अपने साथ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अभी मेरा कंक्लूजन क्या है कि लोग एडिक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि आपने तो कुछ शेयर नहीं किया, इसलिए मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ। आप इसको एक लाइन में अगर मैं समराइज करूँ, वो ये है कि एब्सेंस ऑफ कनेक्शन लीड्स टू एडिक्शन। अब आप इसको थोड़ा सा आपको डीपली समझना पड़ेगा, जो भी व्यक्ति ड्रग्स में जाता है वो क्यों जाता है, उसकी एक स्टोरी होती है, ठीक है। आप उसका एक एक्सक्यूज देता है वो हमेशा, क्या एक्सक्यूज देगा, गर्लफ्रेंड छोड़ के भागी, बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, ठीक है, पेरेंट्स की नहीं बनती, पेरेंट्स सेपरेटेड हैं, फैमिली बहुत गरीब है, पैसे नहीं है, ठीक है। तो देर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ कनेक्शन विच इज मिसिंग,
फैमिली से वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स से कनेक्टेड नहीं है, अपने सिबलिंग्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, कोई उसकी यंग एज में जो एक अटैचमेंट किसी के साथ हम फील करते हैं, वहां पे उसका डिसकनेक्शन हो गया है बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजंस। तो जब भी हम कनेक्शन नहीं होगा हमारे पास, तो हम एडिक्शन की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम एडिक्ट होते हैं तो हम सोए रहते हैं, हमारा दिमाग जो सोया रहता है, इट डज नॉट वर्क, ठीक है, वो अपनी दुनिया एक चली है, वो चलती रहती है। तो वो कनेक्शन जो है वो किसी और चीज से बना लेता है, और तो कनेक्शन उसका कोई है नहीं जिंदगी में, माँ बाप के साथ नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, एक दो क्लोज फ्रेंड्स थे अच्छे रिलेशन जिनके साथ से, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, नौकरी नहीं मिल रही है, पैसे कम है, वो कनेक्टेड फील नहीं कर रहा दुनिया के साथ, इसलिए उसने अपना कनेक्शन कहीं और बना लिया, ठीक है। तो वेर एवर देर इज एबसेंस ऑफ कनेक्शन देर इज एडिक्शन। अब दूसरी चीज है कि इसका सोल्यूशन क्या है, हैवी हो गया कुछ लग रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा हाथ खड़ा कर सकते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है? मेरा नहीं है कोई जो ऐसा बोल सकता है कि मेरा फ्रेंड नहीं है? तो यही स्ट्रेंथ है ना आपकी एज की, आप सभी के दोस्त हैं, चाहे वो ऑनलाइन ही हो गए पर दोस्त होंगे, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके साथ आप एक तरह से नेकेड हैं, वो आपको अच्छे से जानता है कि ये क्या कर रही है अभी ये, या क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे मेरे दोस्त है वो मेरी आवाज सुन के समझ आएंगे कि आज कुछ इसने खुरा बात की हुई है, जब मैं कॉलेज में थी तो शक्ल देख के पता जाएगा, पता चल गया क्या किया है, ठीक है। तो आपके ऐसे ऐसे रिलेशंस किसी ना किसी सबके होते हैं या बन सकते हैं, देर इज स्कोप। तो आप अगर अपने आप को किसी का फ्रेंड मानते हैं जेन्युइनली, आई थिंक आपको इस चीज पे ज्यादा वॉच रखनी चाहिए कि आपका फ्रेंड क्या कर रहा है। और अगर सिर्फ आप सभी एक एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने अलावा, तो आई थिंक ये कॉलेज तो क्लियर हो जाएगा फटाफट, ठीक है। बट जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं ना, वो खा रहा है ड्रग्स, वो दारू पी के पड़ा है, हमको क्या लेना है, ठीक है। हमारे पड़ोस में कोई पड़ा होता तो वी आर लाइक कि ठीक है। जैसे पेरेंट्स आते हैं ना मेरे पास, वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो अच्छा है, उसके दोस्तों ने उसको बिगाड़ दिया, ठीक है। सो दिस इज, वो बिलीव करते हैं इस बात को, वो ऐसे नहीं बोल रहे होते हैं, वो दे एक्चुअली बिलीव कि उनका बच्चा बहुत अच्छा है, उसके दोस्त खराब हैं, तो बोलते हैं कि बेटे को कुछ मत कहना, उसके दोस्तों को पकड़ो, ठीक है। तो दिस इज द ब्लाइंड आई वी टर्न टू आर लव्ड वंस जब वो प्रॉब्लम क्रिएट में होते हैं, और हम उनको छोड़ देते हैं हश हश टोन्स में बात करके, ठीक है, उसको एड्रेस नहीं करके, तो फिर वो हमारे हाथ से धीरे धीरे स्लिप हो जाता है, वो चला जाता है दूर, वो वहां जाता है जहां उसको कनेक्शन फील होता है, ठीक है। और दूसरी चीज आती है, जब कोई ड्रग एडिक्शन में होता है या बुरा काम करता है तो हम उसको आइसोलेट कर देते हैं, हम उसको फॉरगिव नहीं करते, छोड़ते नहीं है। तो वो जो व्यक्ति ड्रग से वापस सोसाइटी में आना चाहता है, हम उसको ये रियलाइज करवाते हैं कि भाई तुम्हारी कोई जगह नहीं है यहाँ पे, तो वो वापस कहाँ जाएगा? वो उन्हीं लोगों के बीच में जाएगा जो उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसको एक्सेप्ट कौन करते हैं? जो खुद ड्रग है, ठीक है। तो वो आपको, यू हैव टू ब्रेक दैट चेन। अगर आप एक्चुअली अपने आप को किसी का दोस्त मानते हैं यहाँ पे, और ऐसा किसी के साथ कनेक्शन फील करते हैं, तो यू शुड बी अवेयर एंड मेक देम अवेयर कि ऐसा मत करो, ब्रिंग देम बैक, वापिस लाओ, ठीक है। तो आप इस चीज को सोचना, दीज आर नॉट इंस्ट्रक्शंस, मैं आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती हूँ बिकॉज आई डोंट नो, 10-15 साल में थोड़ी सी दुनिया ज्यादा आपसे देखी होगी मैंने, बट दिस इज जस्ट अ डेलिब्रेशन। आप मेरी बातों को सोचना, और अगर आपको फैक्चुअली ये कुछ कंटेस्टेड लगता है तो उसको गूगल पे आप चेक करो, जो भी मैंने आपको आज आपको बातें कही हैं, दीज आर फैक्ट्स, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है, और अगर हम इनसे बाहर निकलने का आज कोशिश नहीं करेंगे तो आर ओल्ड एज विल बी वेरी बैड, ठीक है। हमें कोई, जैसे बोलते हैं ना हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में, कि कंधा देने वाला नहीं बचेगा, ठीक है, वी विल लूज आर यंग जनरेशन, और उसको हम लूज करेंगे तो हमारा अपना फ्यूचर बिल्कुल खड्डे में। दिस इज अ वेरी सेल्फिश मोटिव ना, मैं तो बहुत सेल्फिश बात कर रही हूँ आपसे। आप लोग अगर अच्छा काम करेंगे तो मेरा फ्यूचर अच्छा है, ठीक है। मैं जब 60 साल की हो जाऊंगी, एसपी नहीं रहूंगी, तो मुझे कौन पूछेगा, ठीक है। अभी तो सब पूछ रहे हैं, अभी मैं यंग भी हूँ, अभी मैं खुद भी कर लूंगी, कोई खाना नहीं बनाएगा, मैं खुद बना लूंगी, ठीक है, गाड़ी नहीं चलाएगा, खुद चला लूंगी। बट आफ्टर 60 ईयर्स,
सब कुछ ये निकल जाएगा, स्टार वार सब रिटायर हो जाओगे तो कौन पूछेगा? तो सिस्टम पूछेगा, सिस्टम में बैठे होंगे एडिक्ट लोग, किसने पूछना? ठीक है, डॉक्टर एडिक्टेड होंगे, इंजीनियर एडिक्टेड होंगे, फार्मेसी वाले एडिक्टेड होंगे, लिखना पैरासिटामोल है लिख देगा, कुछ और लिख देगा, चिट्टा खाओ मस्त। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले वो बोलेंगे यूरिया की जगह चिट्टा ही फेंकते रहो। ठीक है, तो दिस इज आवर फ्यूचर अदरवाइज। तो भाई ऐसे जॉम्बी टाइप जीने में क्या मजा है? जॉम्बी वाली पिक्चरें देखी है आपने? तो जॉम्बी बन जाएंगे हम, चल तो रहे होंगे पर दिमाग नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस ही ह्यूमन बीइंग का सोर्स है। हम कॉन्शियस है, हमें पता होता है, मुझे पता है कि आप पीछे जो है मरमर कर रहे हो, मेरा दिमाग मेरे को बता रहा है कि ये तो या तो मेरा भी मजाक उड़ा रहे हैं या अपनी कोई बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा किया है ना, आई नो दैट फीलिंग, इससे मुझे बुरा भी नहीं लगता। ठीक है यार, मैंने भी तो ऐसे ही किया है। एक जो हमें ज्यादा बोर करता था उसके तो हम तालियां बजा देते थे पहले ही। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ ना, मैं सब करके आई हूँ तो मुझे कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता है। तो जब कभी कभी स्पीकर जो होते थे ना वो उल्टा समझ लेते थे, उनको लगता था कि बड़ा अच्छा मजा आ रहा है, वो और बोलते थे मैं इस पैसे ले रहा हूँ, जितनी बार तालियां बजा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ। ठीक है, तो वी हैव टू बी कॉन्शियस। ठीक है, हमें अपनी लाइफ कॉन्शियसली जीनी चाहिए, मैं सिर्फ ये आपको कहना चाह रही हूँ, आप कॉन्शियसली जियो और अच्छे से जियो और खुद से जियो। अगर चिट्टा भी पीने तो खुद से पियो, किसी और की बोलने से, किसी और के इन्फ्लुएंस में, किसी लालच में, अदरवाइज इसमें मत एंगेज हो। आपको करना है आप करो, यू वॉन्ट टू ट्राई इट आउट, ट्राई इट आउट। एक बार करोगे बच जाओगे, दो बार चिट्टा पियोगे नहीं बचोगे, उल्टियां मारोगे। ठीक है, ये आप लिख के ले लो। ठीक है, एक बार भांग पियोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिल हो जाओगे, और हर दिन पियोगे हेलुसिनेशन होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको कहा है वो एम्पलीफाई करेगा, अगर आपको लगता है ना वो जो जिस लड़की में आपको इंटरेस्ट है उसका किसी और में इंटरेस्ट है, भांग पियोगे तो वो एम्पलीफाई हो जाएगा। आप भी इंटरेस्टेड होगी बट आपको लगे उधर है, उधर है। कॉन्शियसली जियो, जो भी कर रहे हैं अपने हिसाब से करो, और आपकी यंग एज की ब्यूटी ये है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे कहोगे कि मैडम वहां माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो मैं 50 बार सोचूंगी कि मेरी इतनी फिटनेस है, मैं आपने 10 टेस्ट कराऊंगी, कहीं मेरे को हार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, गुडरों में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे कोई कॉलेज में गया था माउंट एवरेस्ट, चलिए आप चलते हैं। ठीक है, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर एज। अगर आप इसको ऐसे यूज नहीं करके वेस्ट ही करना चाहोगे, इधर पड़े हो उधर पड़े हो, कोई आपको घसीट रहा है, पुलिस वाले आपको पकड़ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आपकी जेबें चेक कर रहे हैं, थाने में बुला रहे हैं, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और कोई भी पुलिस वाला ऐसा करना नहीं चाहता है, क्योंकि सारे जो है उनके अपने बच्चे हैं, ये जो SHO बैठे हैं इनके अपने बच्चे हैं, तो यू वुड नेवर वॉन्ट कि कोई बच्चा हमसे परेशान हो, बट जब ऐसी सिचुएशन आती तो करना पड़ता है। नो वन इज हैप्पी डूइंग दिस, नो वन इज हैप्पी कि कॉलेज के बच्चे जो है ना उन पे कोई अटैक करे। ठीक है, कोई भी एनफोर्समेंट, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग हमेशा अपना टाइम याद करते हैं, मैं तो अपना टाइम याद करती हूँ कि यार अब भी ऐसे थे, वहाँ लड़ाई करते थे, वहाँ लड़ाई करते थे। ठीक है, तो वी ऑलवेज रिकॉल आर थिंग्स, और जो ज़्यादा एज है उनके अपने बच्चे हैं आपके जैसे, वो अपने बच्चों की तरह आपको देखते हैं। नो वन वॉन्ट्स टू इंटरफेयर इन योर लाइफ, आप अच्छे से आए हो, पढ़ने आए हो, अच्छे से पढ़ के जाओ। डोंट गिव एनीवन अ चांस कि वो आपके साथ जो ऐसा कुछ बिहेव करे कि आपको लाइफ लॉन्ग एक इंप्रेशन बने, मेरे को पुलिस वाले ने ऐसा बोल दिया, वो SHO था, ऐसा था। ठीक है, इट इज़ नॉट गुड, हमारे लिए अपने लिए अच्छी बात नहीं है ये, और हम करना भी नहीं चाहेंगे। तो माई लास्ट एंड फाइनल सबमिशन टू ऑल ऑफ यू इज कि आप जो है हमें इस चीज़ में सहयोग दें। ठीक है, एंड ये हमारी एज अ सोसाइटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को एटलीस्ट ड्रग्स के मामले में सपोर्ट करें, आप मुझे करें मैं आपको करूं। ठीक है, और आई एम जस्ट सेइंग माय नंबर, आप डॉक्टर साहब मेरा नंबर आप पब्लिकली पब्लिश भी कर सकते हैं, मैं अपना ऑफिशियल नंबर आपको बता